स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जैसा मैंने कहा था आप थ्री तो डी का तो कल हम लोगों ने किया भी था दो एक्सेप्शन मिले थे उसके बाद फोर डी में आएंगे आपको एक दो नहीं छः छः एक्सेप्शन मिल जाएंगे उसके बाद वालेकाम उसके बाद आप फाइव डी में आएंगे वहाँ भी दो एक्सेप्शन मिल जाएंगे तो इस तरीके से उस सारे एक्सेप्शन को रट नहीं सकते थ्री डी वाला तो ठीक है अलेवन से कई बार पढ़ते रहते थे तो कापर और क्रोमियम याद हो जाता था लेकिन बाकी सारे एक्सेप्शन नहीं याद हो सकते इसी तरह से फिर एफ ब्लॉक में हम लोग आएँगे वहाँ भी एक्सेप्शन पड़े होंगे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी देखोगे लगेगा कभी नज़रों से नहीं गुजरी थी एलेवन पढ़ लिया ट्वेल्थ पढ़ लिया और बहुत सारी चीज़ें ठीक है तो आज उन सब चीज़ों से पर्दा उठाया जाएगा ठीक है चलिए फिर उठाते हैं सबसे पहले थ्री की बात कर लेते हैं चलिए पहले एक कामन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करिए तो इनके आउटर सेल का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है तो पता ही होना चाहिए आउटर सेल या एन एस ना आउटर सेल ये हो गया मैं ज़ीरो वन या टू इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीरो सिर्फ एक जगह मिलता है पैलेडियम में जाकर मिल जाता है बाकी ज़ीरो वन टू और उसके बाद उसके अंदर वाला माने एन माइनस वन पेनल्टीमेट सेल जो कि डी हो जाएगा उसमें एक से दस तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वन टू टेन ये होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ये खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया एन एस जीरो होगा या वन होगा या टू होगा फिर एन माइनस वन डी पे एक से दस तक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे एलिमेंट आपको डी ब्लॉक में आएंगे ठीक है उसके बाद देखिए जब डी में कहते हैं डी की जो थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज ऐसे आएंगी तो थ्री डी थ्री डी में जो कि 21 से लेके थ्री में इक्कीस से लेके तीस तक आती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक आती है थ्री हो जाएगा थ्री डी फोर नाइन बढ़िया समझिएगा याद करना नहीं है समझ लीजिए रटना उठना नहीं है ना प्रैक्टिस करिए फोर डी में थ्री सिक्स नाइन थ्री की टेबल पढ़ लीजिए और फाइव डी फाइव डी फाइव डी सिर्फ एट ये इतना ठीक है माने थ्री डी सीरीज में आपको d में फोर और नाइन पॉसिबल नहीं है कहोगे नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल और फोर डी में कहोगे थ्री सिक्स और नाइन माने d पे d के d में थ्री या सिक्स या नाइन इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे किस में फोर डी सीरीज में फाइव डी सीरीज़ में डी में एट इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे ये बात आपको याद रखनी होगी ठीक है ये याद रखने की बात है ये याद रखने के बाद फिर क्या करोगे ठीक है इसको मैं थोड़ा सा बगल में लिख दे रहा हूँ थ्री डी में फोर और नाइन पॉसिबल नहीं है फोर डी में थ्री सिक्स और नाइन पॉसिबल नहीं है फाइव डी में एट पॉसिबल नहीं है ये पहली बात आप याद रख लीजिए ठीक है अच्छा अब इसको याद रखने के बाद आप क्या करोगे जैसे थ्री का मैं लिखने जा रहा हूँ देखिए थ्री में आप हालांकि समझ चुके हो याद है लेकिन फिर भी देखिए हम पढ़ रहे हैं ताकि जो है उससे कॉन्सेप्ट तो बन जाए फोर के लिए देखिए अब डी में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपने बना लिया अच्छा उसके बाद हाफ फील्ड मोस्ट स्टेबल होता है हाफ़ फील्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है फुल फील्ड मोस्ट स्टेबल होता है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है जो पॉसिबल नहीं है कौन सा पॉसिबल नहीं है फोर पॉसिबल नहीं है और नाइन पॉसिबल नहीं है इसको कट्टम कर दीजिए बात समझते चलिएगा अब इनके अंदर वन तो वन टू थ्री फोर के बाद क्या आता फोर पॉसिबल नहीं तो फोर के बाद क्या आना फाइव अब फोर गायब कर दिया क्या कर दिया फाइव ठीक है अब फाइव तो ऑलरेडी दूसरा सिक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि फाइव मोस्ट स्टेबल इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है ठीक है उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पॉसिबल नहीं नाइन के बाद कौन सा नंबर आता टेन टेन तो ये हो जाएंगे और अब देखिए फिर यहाँ पे आप क्या करिए देखिएगा जरा सा यहाँ पे इक्कीस है थ्री डी की बात कर रहे इक्कीस से तीस तक जाएगा बाईस है तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस ठीक है जैसे अब क्या हुआ अब मान लीजिए कि आपसे जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 लिखने के लिए, के लिए कहा था तब क्या किया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी सिक्स अब फोर एस और थ्री डी अब आपका आया अब जैसे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में डी में कितना आ जाएगा देखिए ट्वेंटी फोर के आगे सामने कितना डी में फाइव तो यहाँ पे फाइव करना होगा ठीक है ना जब यहाँ पे फाइव करने जाओगे तो यहाँ पे टू ना होगा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तब आपका ट्वेंटी फोर हो गया ये काम कर लेते हो उम्मीद बात समझ में आ रही होगी इसके लिए कोई परेशानी ही नहीं होगी ठीक है ये तो आपको एक्सेप्शन पता भी था और ऐसे लिखने का ढंग भी सीख लिया और क्यों ऐसा हुआ था ये वाला कहा गया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड की पूरी बातें ही कही गई थी अच्छा अब चलिए थ्री डी के बाद जो आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है फोर डी अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नेबुलियम का लिखने का हूँ नेपोलियम का मतलब जो है ना फोर्टी टू है ना फोर्टी वन तो ये सब कॉन्फिग्रेशन फोर्टी वन का फोर्टी थ्री का फोर्टी फोर का ये सब आप गलत लिख दोगे ठीक है ना बहुत सारी गलतियाँ कर डालोगे लेकिन उसको जो है करने के लिए हम लोग क्या करते हैं चलिए फोर डी की बात करते हैं दस बनाएंगे टेन ठीक है और दस यहां पे कहां से थर्टी नाइन से शुरुआत होती है ना थर्टी नाइन से शुरुआत होगी चलिए वो तो आपको पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात हुई अच्छा अब देखिए इसमें क्या पॉसिबल नहीं था अभी मैंने कहा थ्री देखिए थ्री नहीं पॉसिबल है उसके बाद सिक्स नहीं पॉसिबल है उसके बाद नाइन नहीं पॉसिबल है उसके बाद जो मोस्ट स्टेबल है उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करना है उसको उसी फॉर्म में रहने देना है नाइन और अरे फाइव और टेन को उसी फॉर्म में रहने देना है अब यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं उसे उसके बाद लिखना शुरू करें वन टू अब थ्री की जगह क्या लिखेंगे फोर लिखेंगे तो अब फोर के बाद क्या आएगा फाइव आएगा समझिएगा वन टू लेकिन थ्री पॉसिबल नहीं था थ्री को कट किया थ्री के बाद क्या आया फोर आया ठीक है ना और फोर के नीचे अब क्या हो गया फाइव हो गया इसी तरह सिक्स पॉसिबल नहीं है तो सिक्स के बाद क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा अब सेवन के बाद एट आएगा एट के बाद यहाँ पे नाइन पॉसिबल नहीं है ना देखिए एट के बाद नाइन आता तो नाइन पॉसिबल नहीं तो यहाँ पे टेन आएगा और फिर यहाँ पे टेन आएगा माने फोर डी में तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट आप कैसे मिलेंगे जहाँ पे क्या है कि दस 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 आखिर के तीनों में मिलेगा है ना तीनों पैड सिल्वर का ये पैड सिल्वर का है ना यहाँ पे ये पैलेडियम अभी आ जाएगा चलिए मैं नाम लिख अब देखिए यहाँ पे क्या है थर्टी नाइन से यूटीएम से शुरुआत होती है थर्टी नाइन देखिए जरा सा फिर बना लीजिए थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन 44 टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फ़ोर्टी फाइव फोटी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के बाद बड़ी आसान हो जाएगी लेकिन कभी गलती नहीं होना है है ना? और इसलिए आपको ये एक क्वेश्चन आ जाए तो है ना इतनी बात लिखने में कोई परेशानी की बात नहीं होगी है ना ये बनाइए ये बनाइए ये बनाइए बना अगर मैं एलिमेंट का नाम भी लिख दूँ किसके फोर डी के देखिए यहाँ पे है ना ये सब एलिमेंट का नाम लिख रहा है ये सब एग्जाम में तो आपको लिखना नहीं रहेगा आपको तो बस है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे 44 का क्या है मालिडेनियम का क्या है तो जिरकोनियम का किसी का भी है ना मान लीजिए पूछा है तो यहाँ पे क्या है यूट्रियम होता है है ना यूटीयम के बाद दूसरा नंबर किसका आ जाता है जिरकोनियम का आ जाता है फोर्टी उसके बाद नेबुलियम का आ जाता है उसके बाद टेक्नीशियम का फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जो है आपका टेक्नीशियम होता का और सॉरी मालिडोनियम का आ जाता है उसके बाद टेक्नीशियम फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट ये आ जाता था उसके बाद रेथेनियम रथेनियम उसके बाद रहोबडियम और उसके बाद ये है ना मैंने अभी बोला था ना पैड सिल्वर का पैलेडियम पैड सिल्वर का ठीक है कैडमियम का ये अब यहाँ पे देखिए पैलेडियम हो सिल्वर हो कैडमियम इन सब के डी में दस इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये आपकी होगी इन सब का जो है किसी का भी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अगर बात करते हैं जैसे चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि थर्टी नाइन उनतालीस का लिखने की बात करते हैं यूटीएम का लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा सा तो आप क्या करिएगा सबसे पहले तो क्रिप्टन यहाँ पर शुरुआत करिए क्रिप्टन से वन एस लंबा हो जाएगा थर्टी आ चुका है हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन ये चार आर्बिट पूरी हो गई है पांचवी आर्बिट को शुरुआत करोगे तो फाइव एस के बाद फोर डी फाइव पी चलिए यहाँ तक तो आप देखिए तीन इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं तीन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे देखिए थर्टी नाइन थर्टी नाइन यूटीएम में डी में कितना डालना एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला तो एस में कितने आ गए दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसकी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है ठीक है ना यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है टीम की बात उसके बाद देखिए दूसरी बात जिरकोनियम का करिए है ना फोर्टी में करिए यहाँ भी देखिए ये हो गया अब यहाँ पे थर्टी सिक्स लेडी हुआ फाइव एस और फोर डी अब यहाँ पे फ़ौरन जाइए जिरकोनियम चालीस चालीस वाले में देखिए दो डालना है डी में डी में दो डाला दो यहाँ पे डाला थर्टी सिक्स और फोर्टी का कोई एक्सेप्शन नहीं मिला ठीक है अब आइए जिरकोनियम के बाद नेबुलियम पे एन बी नेबुलियम नेबुलियम माने 41, 41 पे आई है। अब यहाँ पे आपने क्या किया क्रिप्टन किया है ठीक है ना क्रिप्टन 36 हो गया और उसके बाद 5s और 4d। अब देखिए नेबुलियम पे क्या करना है 4 करना है थ्री नहीं करना है अगर इसके पहले आप लिखते हैं तो डी में थ्री कर देते एस में टू कर देते गलत हो जाते है ना तो यहां पे नेबुलियम एक्सेप्शन क्या आ गया है ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन पहला मिलना शुरू हो गया एक्सेप्शन को चलिए स्टार बना लिया तो डी में कितना करना है फोर करना है भाई ठीक है ना और फोर्टी वन थर्टी सिक्स में फाइव फाइव और जोड़ोगे तो फोर्टी वन बनेगा तो फोर यहाँ पे किया तो एक यहां पे किया तो एस में वन जाएगा नेबुलियम में ठीक है ना में वन जाएगा नेबुलियम में अब देखिए उसके बाद मालिकेनम में आइए मालिप 42 फोर्टी टू अब यहाँ पे फिर क्रिप्टन लिखा थर्टी सिक्स ऑलरेडी हो गया 5s एस किया और फोर डी किया अब यहाँ पे जब मालिपडेनम में आते हो तो फाइव कितना फाइव फाइव यहाँ पे किया और कुल कितना आपका है चार यहाँ पे दो सिक्स हो जाता तो एक ही यहाँ भी आएगा ठीक है कुछ कुछ लिखा था किसी ने अरिशा सिद्दीकी ने एक बार फिर से लिखी है एक बार फिर से देखिए मैं इधर देख रहा था ठीक है मालिक डेनम मालिक डेनम फोर्टी टू अब देखिए है ना यहाँ पे कितना फोर के नीचे फाइव आ रहा है ना तो यहाँ पे फोर मालिव डेनम में समझ में नहीं आ रहा है सर रिशा सिद्दीकी सर अच्छा अच्छा चलिए थोड़ी मेहनत करिए देखिए समझ में आएगी समझ में आएगी बातें मैंने कहा कि क्या है चलिए ये सारी बातें आपने क्या किया एक से दस तक इलेक्ट्रॉन लिखना होता है लिख लिया ठीक है एक से दस तक लिख लिया उसके बाद जो है आपने क्या करना है जो जो पॉसिबल नहीं उसको कट्टम कर दीजिए उसको कट्टम कर दिया अब फाइव मोस्ट स्टेबल होता है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है टेन मोस्ट स्टेबल होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना वैसे लिख देना अब वन के नीचे वन टू के नीचे टू लेकिन थ्री पॉसिबल नहीं था थ्री के अगला नंबर कितना आएगा फोर आएगा तो फोर लिख दिया फोर के बाद अब अगला नंबर फाइव आएगा फाइव लिख दिया अब ये ऑलरेडी फाइव था इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है फिर छः नहीं पॉसिबल है तो छः का अगला नंबर सेवन आएगा सेवन के बाद एट आएगा एट के बाद नाइन आता लेकिन नाइन पॉसिबल नहीं था इसलिए क्या कह दिया नाइन का अगला नंबर टेन कर दिया तो फिर टेन फिर टेन ये बातें हो जाएंगी और यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट फोर डी के लिख लिया फोर डी के लिख लिया ठीक है ना हैं हाँ, फोर डी का लिख लिया फोर डी का ये सारे एलिमेंट मैंने लिख लिया अब वहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया था है ना आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो कोई बात नहीं ये बस ये इतने की ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए ठीक है यहाँ पे देखा मैंने भरा कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं था लेकिन नेबोलियम में नेबोलियम में फोर्टी वन फोर्टी वन जैसे आया आपने देखा कि यहाँ पे डी में चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी में चार किया तो बचा कितना वन बचा इसी तरह से जब मालिप में आए तो फोर्टी टू टोटल आपको फोर्टी टू थर्टी सिक्स के बाद फोर्टी टू यानी कि छः इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं लेकिन डी में देखो तो पाँच आया पाँच आया तो इसमें कितना आ जाएगा बस एक इलेक्ट्रॉन आएगा ठीक है इसी तरीके से और किसी का है ना फिर आप देखिए टेक्नीशियम का आएंगे यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगा यहाँ पे जो है फाइव ऑलरेडी रहना है फाइव रहेगा इसमें आ जाएगा इसी तरह से मान लीजिए किसी और का भी कर रहे हैं आपसे कहा गया इसका लिखने के लिए रोबडियम आर एच रोबडियम आर एच इसके रोबडियम का लिखने के लिए कहा जा रहा है या कह रहे हैं कि फोर्टी फाइव का लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप देखिए फोर्टी फाइव आर एच रोबडियम फोर्टी फोर्टी फाइव ठीक है फोर्टी फाइव का लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप क्या करिएगा क्रिप्टन लिखिएगा थर्टी सिक्स ठीक है अब फोर्टी फाइव में से फोर्टी फाइव में से थर्टी सिक्स को माइनस करिएगा नौ आ जाएगा ठीक है ना और नौ आ जाएगा तो नाइन इलेक्ट्रॉन आपको और फिल करने हैं और ये एनर्जी का ऑर्डर कल मैंने बताया था फाइव एस उसके बाद फोर डी अब रोहबडियम में आइए यहाँ से फ़ौरन मैच कराइएगा कि रोहबडियम के डी में कितना होगा सात नहीं होगा कितना होगा आठ होगा रोहबडियम के डी में कितना होगा आठ होगा तो आठ यहाँ पर फिल करेंगे अब देखिए कुल नाइन इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो डी में आठ हो गया तो एस में बस एक बचेगा और मैंने कहा डी ब्लैक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है एस में ज़ीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है तो आप देख रहे हो कहीं कहीं टू आ रहा है कहीं कहीं वन आ रहा है कहीं कहीं जीरो कहीं कहीं का एक जगह जीरो भी आएगा अब ये आपका होबड का हो गया ठीक है अब जरा सा देखिए इसके बाद जो है अगर पैलेडियम का देखिए पैलेडियम पूरी पीरियाडिक टेबल का एक अलहता एलिमेंट है जिसके आउटर सेल में एट्टीन इलेक्ट्रॉन होते हैं अब देखिए पैलेडियम की अगर बात करिए पैलेडियम फोटी सिक्स की बात करिए तो आप क्रिप्टन बना लिया आपने क्रिप्टन में थर्टी सिक्स ऑलरेडी हो गया अब यहाँ पर टेन इलेक्ट्रॉन और आपको फिल करने हैं तो एनर्जी ऑर्डर फाइव उसके बाद क्या मिलता है फोर अब पैलेडियम के पास आइए और देखिए पैलेडियम के डी में देखिए पैलेडियम के डी में कितने दस इलेक्ट्रॉन डाल रहे आपको तो दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दोगे तो एस में कितना हो गया जीरो हो गया बहुत आसान सी बात है एक बार अभी रिपीट करूंगा ताकि सबको सारी बातें समझ में आ जाए अगर आप सिल्वर में जाइएगा सिल्वर कितना है 47 एटॉमिक नंबर सिल्वर का होता है क्रिप्टन आपने लिखा यहाँ पे थर्टी सिक्स हो गया 11 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है फाइव एस हो गया और फोर डी अब देखिए सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन डी में टेन इलेक्ट्रॉन करना है तो टोटल ग्यारह तो इसमें एक आ जाएगा ये भी एक्सेप्शन बना अब उसके बाद अगर कैडमियम की बात करिए कैडमियम कैडमियम कितना है 48 है अब देखिए क्रिप्टन आपने बनाया क्रिप्टन 36 हो गया अब 5s नहीं दिख रहा है दिख रहा है फाइव एस और फोर डी डी में टेन डी में कितना टेन तो यहां पे दो ये एक्सेप्शन नहीं हुआ एस में टू आया ठीक है देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा जल्दी से आप लोग देखिएगा पूरा एक साथ रिपीट कर रहा हूं फोर डी के लिए कुल छः एक्सेप्शन हैं अगर आप देखोगे अगर आप आज मेरे पढ़ाने के बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा और एम की बुक खोलिएगा और उसके बाद अपने कॉन्फिग्रेशन को लिखने के बाद मिलाइएगा एक भी गलती नहीं आएगी और आपको मज़ा आएगी बहुत मजा आएगी जो कि अब तक गलतियाँ होती थी अब कभी गलती वलती नहीं होगी ठीक है देखिएगा जरा सा फोर की बात एक बार मैं फिर कर रहा हूँ 4D में आपका 39 से ले 48 तक 10 एक थर्टी नाइन फोर्टी कुल दस एलिमेंट आएंगे दस एलिमेंट कौन से यूट्रियम से लेके कहाँ तक आती है ये सब याद रखना पड़ता है पीरियडिक टेबल में याद रखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका फोर्टी नाइन से ले कर कहाँ तक आ गया कैडमियम तक ये फोर्टी एट तक अरे थर्टी नाइन से फोर्टी एट तक आ गया ये होते हैं और फोर डी में मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है तो डी में कुल दस एलिमेंट यहाँ फोर डी में जो आ रहे हैं दस बना दीजिए आप वन बनाइए टू बनाइए फिर जब भी इनके बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक न एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए आए ना तो बच्चों ये बात ज़रूर याद रखिए कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ना ये बना लीजिए गलती कभी नहीं होगी रट के करोगे हवा में करोगे गलती हो सकती है प्रैक्टिस के बाद आपको 40 मिनट की जो टाइम होती उससे कम लगेगा पक्की बात मैं बता दे रहा हूँ 40 से 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएंगे कुछ नहीं क्या करना होगा वन टू थ्री जित कितनी जल्दी है तो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ ना वन टू थ्री फोर लिखोगे फाइव लिखोगे सिक्स लिखोगे सेवन लिखोगे एट लिखोगे नाइन लिखोगे टेन लिखोगे टेन सेकेंड नहीं लगेगा इतना लिखने में ठीक है ना अब जो मोस्ट स्टेबल है उसके नीचे फाइव ही हमेशा रखने देना है मोस्ट स्टेबल टेन है टेन हमेशा ही रखने देना है ठीक है ना ये ब्लाक में आएंगे एक का हाफ फील्ड है सेवन होता है सेवन हमेशा रखना है फोर्टीन होता है फुल फील्ड जो है फोर्टीन हो जाए फोर्टीन हमेशा रखना और जब ये ब्लाक आएगा तो ये ब्लाक अभी करेंगे अब जो पॉसिबल नहीं उसको कट करिए तीन की टेबल पर डालिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है इसको करिए उसके बाद देखिए वन टू अब थ्री पॉसिबल नहीं इसका अगला नंबर जाइए फोर अब फोर के बाद अगला नंबर फाइव तो फाइव दो बार आ जाएगा एक्सेप्शन मिल गया अब देखिए सिक्स पॉसिबल नहीं है सिक्स का अगला नंबर जाइए सेवन ठीक है ना अब सेवन के बाद एट एट के बाद देखिए अब नाइन आता है लेकिन नाइन भी पॉसिबल नहीं इसलिए टेन 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 नाइन पॉसिबल नहीं टेन 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 तो ये आ जाएगा तो अब जब यहाँ पे देखिए ना थर्टी नाइन से आप शुरुआत करोगे थर्टी नाइन कहिए फोर्टी कहिए फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट ये हो गया अब इनमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए कह, कहेंगे कि एटॉमिक नंबर 44 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए तो एटॉमिक नंबर चलिए 44 ये एक्स एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 44 है लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है तो यहां पे आपने क्या किया क्रिप्टन बनाया और यहां पे 36 लिखा 44 में से 36 से माइनस किया आठ यहां पे बचा आठ इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तब यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑर्डर मैंने बताया हीलियम आर्गन चार पूरी हो चुकी है तो फाइव एस फोर डी फाइव पी आता पी में जाना नहीं है डी वाला के एलिमेंट है आपको पता है कि डी में ही काम खत्म हो जाएगा तो पी में जाने की जरूरत क्या वरना फाइव पी भी लिख लेते ठीक है, है अब यहाँ पे आप फौरन फोर्टी फोर की बात करें फोर्टी फोर के सामने देखिए डी में सात इलेक्ट्रॉन आपको हर हाल में फिल करना है 44 के सामने देखिए डी में सात इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तो डी में सात इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे आठ तो सात आपने फिल कर दिया तो इसमें कितना जाएगा वन क्लियर आप क्लियर हो गया तो बताइए कि यस या नो जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आगे समझूं कि यहाँ चलिए मेरी मेहनत काम कर रही है आपको समझ में आ रहा है बातें ठीक है है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके है ना इतना काम करने भाई द, जा दस जहाँ दस सेकंड इसमें लगेंगे दस सेकंड इसमें लगेंगे दस सेकंड इसमें लगेंगे दस नंबर लिखने में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस सेकंड से कम ही लगेगा कुल मिलाकर पच्चीस से तीस सेकेंड के अंदर आपका काम हो जाएगा थोड़ा समझ गया सर पूरा समझ में आ जाएगी है ना चलिए अभी, अभी 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 और करना है अभी समझ में आएगी अभी अब देखिए एट अब हम लोग फो फोर डी हो गया फाइव डी करेंगे अब वो भी समझ में आएगी बहुत मज़ेदार है इतनी गलतियाँ होती हैं इतनी गलतियाँ होती हैं कि मैं क्या बताऊँ ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक जब भी लिखना आता है सब गलत हो जाता है अगर अभी मैं कहूँ थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक्रेसा लेकिन सबको ही गलत लिखता है क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए जब ऑफलाइन भी पढ़ते थे पढ़ाते थे आते थे सब ना गलतियाँ कर ही जाते थे तो यहाँ भी देखिए अभी हम लोग उसको भी करेंगे यहाँ भी इसमें से है ना, का ना आपको एक्सेप्शन आ गए हैं। कहाँ तक रट के जाएंगे नहीं रट सकते लेकिन इतनी बात है ना वन टू थ्री अच्छा चलिए देखिए फाइव डी में करते हैं अब देखिए वहां भी देखिए इसी पैटर्न ना देखिए सबका लिखने का एक रहेगा तो पैटर्न ना एक है एक बार बातें समझ लिया सब आ जाएगा चलिए फाइव डी में फ़ाइव डी के एलिमेंट अच्छा अगर याद हो तो बढ़िया बात है देखिए मैंने बताया है डी ब्लॉक एलिमेंट और एक ब्लॉक याद कर डालिए बहुत बढ़िया क्योंकि हर साल नीट में जो है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो कि आपको एलिमेंट याद है तो बड़ी मदद मिल जाती इस बार भी तो आया था है ना कि क्या था वो नाम पूछा गया था आई पे एक नाम लॉरेंस एम और वो करके पूछा गया था तो इसलिए जो है याद कर डालिए ज़रूर याद कर डालिए और देखिए फाइव डी की बात करते हैं फाइव डी सीरीज़ फाइव डी सीरीज फाइव डी सीरीज जब आएगी तो यहाँ पे बीच के बीच के बीच में जो है एक भी आ जाएंगे ठीक है ना और एलिमेंट सबसे पहले तो एक आ गया 57, ये सब याद होना चाहिए उसके बाद बीच में 57 के बाद हम्म, ठीक है लैंथेनम, लैंथेनम में 50, सॉरी लैंथेनम 57, 57 के बाद 58 से लेके 71, माने सेरियम से लेके लुटेटियम तक फिर एफ ब्लॉक आते फोर एफ आ जाता है ठीक है उसके बाद आपका लेंथ एम के बाद हाफ मैनियम आता है ठीक है टेन टन 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 टेन, टेनियम आता है ठीक है और उसके बाद आपका टंगस्टान ये सब सारी अभी मैं लिख दे रहा हूँ ये सब आ जाएंगे ठीक है तो 5D 5D में क्या पॉसिबल नहीं एट पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अब देखिए क्या करना जैसे आप पैटर्न न मैंने कहा एक है दस लिख डालिए वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन बस लिख दिया अब देखिए जो मोस्ट स्टेबल है उसके अंदर वही वाला बना दीजिए पाँच इसके साथ छेड़छाड़ नहीं दस के साथ छेड़छाड़ नहीं जो पॉसिबल नहीं है बस उसी को काट दीजिए अब इसका मतलब ये यह हुआ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सात तक जाने में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा सात तक क्योंकि उसके पहले कुछ आना सब पॉसिबल था कोई कट्टम हुआ ही नहीं तो यहाँ से एक से लेकर सात तक में तो कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन शुरू होगा वहाँ से जहाँ से कट गया है तो वन करिए टू करिए थ्री करिए फोर करिए फाइव करिए सिक्स करिए सेवन आप देखिए एट नहीं पॉसिबल है तो नाइन अब नाइन के बाद अगला नंबर टेन टेन ये मिल गया ठीक है ना अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ से शुरू हो जाता है फिफ्टी सेवन देखिए ये लेंथ है फिफ्टी सेवन उसके बाद यहाँ पे चौदह एलिमेंट गायब हो गए चौदह के बाद जो है ना यानी सेवनटी वन से अब यहाँ पे सेवनटी टू सेवनटी थ्री सेवनटी फोर सेवनटी फाइव सिक्स सेवन सेवनटी एट और सेवनटी नाइन और एट्टी पूरा मरकरी तक आ गया देखिए ये था लेंथेनम ये था हाफमैनियम है ना अगर याद रखना चाहे तो टेंटलम टी ए लिख दे रहा हूँ याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा ठीक है ना उसके बाद रेनियम उसके बाद आसमियम ये हो जाता सारा टंगस्टन बोल गया ओह टेंटलम टंगस्टन टंगस्टन, टंगस्टन रेनियम आसमियम ओएस चलिए आसमियम हो जाता है इरिडियम रेडियम और प्लेटिनम सेवेंटी एट और ये गोल्ड और ये मरकरी ये पूरे एलिमेंट हैं फाइव डी के याद रख डालिए तो बढ़िया बातें हैं अब इसमें से किसी का भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा जाए तो मैं कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक तो कोई आपको एक्सेप्शन नहीं होगा यहाँ तक यहाँ तक तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं मिलेगा एक गलती बहुत बड़ी यहाँ पे बच्चों के साथ होती है क्या होती है टंगस्टन के साथ टंगस्टन सेवेंटी फ़ोर कैसे होती है देखिए ज़रा सा यहाँ पे अगर टंगस्टन का लिखना है तो जीनान के बाद शुरुआत करिए ना है ना क्यों फिफ्टी फ़ोर ऑलरेडी हो गया फिफ्टी फोर यहाँ से माइनस कर दीजिए जीरो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन आपको और फिल करने हैं हिलियम नियान, आर्गन क्रिप्टन जीनान पाँच आर्बिट कंप्लीट हुई है सिक्स वाली शुरुआत करना है सिक्स शुरुआत करोगे तो एफ भी आएगा और फाइव डी आ जाएगा सिक्स पी आ जाएगा यहाँ तक पूरा है लेकिन आपको पता है कि ये कैसा है टंगस्टन डी ब्लैक एलिमेंट है यहाँ पी तक तो जाएगा नहीं चलिए देखते हैं फिलहाल तो अब देखिए यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन आपको और फिल करने हैं तो 14 तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा क्योंकि इनर वाली ऑर्बिट है एफ में चला जाएगा ठीक है ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब देखिए कुल 20 करना था चौदह छः बीस होता है ये चार हो गया देखिए ना दो यहाँ पे किया ये और ये वाली बातें अभी आप कैसे चलिए मत करिए क्या करना है कि आपने टंगस्टन देखा टंगस्टन में अब क्या करना है देखिए टंगस्टन डब्लू सेवनटी फोर कही सेवनटी फोर करके आ जाए टंगस्टन आपको याद है कि सेवनटी फोर होता है तो सेवनटी फोर करके आया तो चार तो डी में कितने डालने हैं चार इलेक्ट्रॉन तो डी में आपने इसको हटा लीजिए चलिए डी में कितने चार इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अब देखिए चौदह चार कितना हो चुका है अट्ठारह ले आपको इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं बीस तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और होंगे ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती है मैं कह रहा हूं कि बच्चों के दिमाग में वो बातें जो पड़ी हुई हैं कि कभी जब डी में चार इलेक्ट्रॉन आता है तो एस से आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिया जाता है ले लिया जाता है तो वो क्या करेगा फोर एस वन फोर सॉरी सिक्स एस वन किया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया फोर्टीन और फाइव डी फाइव कर लिया और ये अलबत् अब गलत हो चुका है ये यहाँ पे फाइव डी में नहीं होता तो फाइव डी में ये पॉसिबल है फाइव डी में फाइव डी में डी में फोर पॉसिबल है तो ये अच्छा खासा सही को क्या कर दिया मोस्ट स्टेबल बनाने के चक्कर में क्या कर दिया सिर्फ क्या अलेवन से वही बातें रटी हुई थी उसके दिमाग में कि डी में जब कभी फोर आ जाए तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो बच्चे ने देखा जैसे ही डी में फोर आया डी में जैसे ही फोर आया वैसे एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया एस से और ये वाला बना के दिखा दिया लेकिन अब ये गलत होगा ये क्रोमियम और कापर के लिए तो सही था एक इलेक्ट्रॉन डी में नाइन ना आ जाए या डी में फोर आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन खींच स्टेबिलिटी के लिए लेकिन जब इतने हाई एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया तो ये बातें नहीं होगी इसी तरीके से एक या एक वाला जब एलिमेंट जाओगे तब वहाँ भी वहाँ भी नहीं खींचा जाएगा यानी डी का जो सिक्स सीरीज आएगी सिक्स डी वाली तो वहाँ भी ये आ जाएगा क्रोमियम कापर में किया गया मालिप में भी ये देखिए एक तरीके से कह सकते खींचा गया या कह सकते वो भी थ्री डी का मैंने बना तो वो कॉन्सेप्ट ही याद रखिए ये ये पॉसिबल नहीं है उस पर आपने कर लिया इसी तरह से यहाँ पर करिए बस ये पॉसिबल नहीं है मैंने यहाँ तक जाने में बिल्कुल एक सीरियल से जाएगा जितना है उतना ही आता जाएगा मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये टंगस्टन नहीं गलत होना चाहिए अब डी में डी में क्या आ जाएगा फोर ही रहेगा एस में टू ही रहेगा चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए अब यहाँ का एक्सेप्शन वाला देखिए आपका जरा तो सा देखते हैं प्लेटिनम प्लेटिनम देखते हैं सेवेंटी एट प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आप क्या करोगे जीनान करोगे और प्लेटिनम सेवेंटी एट में से फिफ्टी फोर घटाओगे यहाँ पे फोर मिलेगा ट्वेंटी फोर आपको फिल करना है एनर्जी ऑर्डर जो है आपका सिक्स एस है फोर एफ है और उसके बाद फाइव डी है फाइव डी है चलिए यहाँ पे चौदह तो आपने कर लिया है अब उसके बाद प्लेटिनम में आइए प्लेटिनम में कितना करना है देखिए सेवनटी एट प्लेटिनम में कितना करना है नाइन डी में करना है डी में नाइन करना है ठीक है डी में नाइन करना देखिए चौदह में से या चौदह चौबीस चाहिए था चौदह यहाँ पे भर दिया था दस बचा था दस में से डी में नाइन तो एस में कितना आ जाएगा वन आ जाएगा एस में कितना आ गया वन आ गया ये आपके प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया सेवेंटी एट देखिए चौदह चार और दो ट्वेंटी फोर ठीक है फोर्टीन यहाँ पे और यहाँ पे सात आठ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे कितना किया नाइन किया और नाइन किया तो डी में नाइन किया और यहाँ पे टेन और चौबीस मिल जाएगा तो ये प्लेटिनम का मिलेगा ठीक है बच्चों तो ये काम करके यहाँ पे है ना तो आप सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हो इस तरीके से डी ब्लॉक में थ्री डी थ्री डी का मतलब दो एक्सेप्शन आपको बस क्रोमियम और कापर में उसके बाद फोर डी फोर डी में आपको एक्सेप्शन आपके मिल जाएंगे पूरा लिखिए लिख के एन सी आर टी से वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आप मैच कराइए ठीक है फोर डी फाइव डी में ये आ जाएगा तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका ए, ए सॉरी डी ब्लॉक के सारे कॉन्फिग्रेशन आपको कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है अब उसके बाद फैद अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं ठीक है ना वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं उसको देख रहे हैं